Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today my topic in the business mathematics is annuity. Basically annuity is the periodic payment which are equal. Okay, ये equal periodic payments होती हैं जो कि आपके सम specific time में आप select कर लेते हैं, that 4 years 5 years की आपने installments जो करनी है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हैं कि कोई गाड़ी लें, आपके पास सेविंग नहीं है उतनी ज़्यादा, कोई घर लें, गाड़ी लें बच्चे की स्टडी के लिए, कोई भी पर्पज़ के लिए, इंश्योरेंस के लिए, एट द रिटायरमेंट आप कुछ चीज़ें जो है इंस्टॉलमेंट आप करते हैं उसके ऊपर ताकि वो सेविंग मिले, लेकिन साथ ही उसमें के अंदर इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है, तो वो आप बैंक्स के साथ अपना एक कंट्रीब्यूशन उसकी करते हैं. तो उसके चक्कर में जो है वो आपकी एक तो अमाउंट भी सेव हो जाती है, लेकिन ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ड्रॉ में वैसे ही जस्ट लाइक 5000 पर मंथ जो है वो डालती जाऊँ, पर मंथ नहीं, ईयर की डिवीजन मैंने करनी है कि ईयरली करूँगी या सेमी एनुअल या फिर क्वार्टरली, आम तौर पर यही तीन जो हैं इंस्टॉलमेंट्स 1 ईयर के अंदर होती हैं. तो अगर मैंने ईयरली कर ली है तो वो इसका मतलब मैं 1 ईयर में 1 पेमेंट करूँगी, लेकिन मैं उसके लिए स्पेसिफिक ईयर्स टोटल डिसाइड करूँगी कि 18 ईयर्स 10 ईयर्स कितने ईयर्स के लिए और हर साल की कितनी इंस्टॉलमेंट होंगी और टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी ज़्यादा होंगी, वो भी चीज़ें. तो उसके लिए अगर मैं अपने ड्रॉ में वैसे पर मंथ कर रही हूँ तो, लेकिन चूंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहा तो इसलिए वो मेरे पास अमाउंट कम होगी, लेकिन इस रेदर देन अगर मैं बैंक में करती हूँ तो उसमें इंटरेस्ट ऐड होने की वजह से जो है मेरी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी. तो एन्युइटी इनफैक्ट दैट इज़ द बेसिकली द इंस्टॉलमेंट्स, टोटल इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड द बेसिकली पीरियोडिक पेमेंट्स, पीरियोडिक इक्वल पेमेंट्स आर कॉल्ड द एन्युइटी. Okay, student, I have a question. That is the question number 3 of from the section 8.3 from the Budnik book for the management science student, mathematics, business mathematics students. Okay, a mother wishes to set up a saving account for her son's education. She plans on investing $750 when her son is 6 months old, and every 6 months after there, the account earns interest of 8% per year, compound semi-annually, and number A part is to what amount will the account grow by the time of her son's 18th birthday, and B part how much interest will be earned during this period. So student, एक मदर है जिन्होंने के अपने बेटी की एजुकेशन के लिए ये जो चीज़ है कि कितनी वो सेविंग के लिए अपने आप को रेडी कर रही है कि वो इंस्टॉलमेंट की जो है पेमेंट करेंगी, दैट इज 750, दैट इज कॉल्ड आवर आर. ओके, आर इज द अमाउंट ऑफ द एन्युइटी पर मंथ पर इंस्टॉलमेंट. ओके, और उसका जो टाइम पीरियड है उसके परसेंट जो है दैट इज 8%, आई इज इक्वल टू 8%, इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% है. And to what amount will the account grow by the time of her son's 18th birthday? तो 18th birthday है लेकिन सेमी एनुअली का वर्ड साथ ही इस्तेमाल किया गया है. तो सो आपके पास n जो है वो नंबर ऑफ द ईयर्स मल्टीप्लाई बाय ईयरली इंस्टॉलमेंट जो है सेमी एनुअल है, साल में 2 इंस्टॉलमेंट्स वो करेंगी और 18 साल करनी है तो 36 आपके पास आ जाएगा. और सेकंड पार्ट है हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न. अब मैं इसके बारे में, ये आपको मैंने एक क्वेश्चन तो लिख दिया है लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको जो है आइडिया दे देती हूँ कि कैसे है. फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट इज मैंने ओके फाइन. सबसे पहले है एन्युइटी का जो आपके पास फार्मूला है मैं उसको मैंशन कर रही हूँ. एस एन इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आयोटा रेज पावर एन माइनस 1 ओवर आयोटा. ओके, सो आई हैव टू फाइंड द रिमेनिंग वैल्यूज. आर इज दैट इज द माई क्वेश्चन नंबर स्मॉल ए. ओके, दैट इज द बेसिक फार्मूला ऑफ एन्युइटी. ओके, आर इज द अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ एन्युइटी 1 इंस्टॉलमेंट पर, कि मतलब मैंने 750 उसने डॉलर जो है उसने कहा कि $750 जो है वो उसके पास है,
कि जिसको वो आफ्टर 6 मंथ जो है उसको कर सकेगी अपने सन की एजुकेशन के लिए 18 साल तक. इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट दैट इज पर कंपाउंडिंग ईयर, हर के हिसाब से कंपाउंडिंग पीरियड, दैट इज इक्वल टू 8%, दैट इज इक्वल टू 8/100. सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0.08. थर्ड थिंग इज एन. एन इज द बेसिकली 18 नंबर ऑफ द ईयर्स मल्टीप्लाई बाय इंस्टॉलमेंट्स. ये एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट को कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 18 साल में 36 इंस्टॉलमेंट्स होंगे. ओके, सो नाउ एस एन इज द टोटल अमाउंट ऑफ द यूनिटीज. जितनी भी उसने की हैं उसके बारे में के उसके लिए क्या चीज़ें जो है वो कितनी टोटल अमाउंट उसकी एट द एंड 18 साल के बाद ये करने के बाद उसकी टोटल कितनी है, और ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है एस एन. ओके, बेसिकली फ्रॉम द ए पार्ट एस एन इज इक्वल टू, ये फार्मूला मैं दोबारा लिख रही हूँ, दैट इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आयोटा रेज पावर एन माइनस 1 ओवर आयोटा. सो बाई पुटिंग द वैल्यूज values R is $750, 1 plus 0.08, iota is 1 point, iota means interest is 0.08, whole power 36 minus 1 over 0.08. अब आपने इसकी जो 1.1 plus 0.08 है, I will add here. So $750 into 1.08 whole power 36 minus 1 over 0.08. By taking the power of 1.08, I get here the value that is equal to 15.9681 minus 1 over 0.08. By subtracting the minus 1 from 15.9681, $750 into 14.9681 over 0.08. Now I divide by the 0.08. So $750 into multiplied by 187.10. Multiplying by $750, that is equal to $140,326.61. That is my SN, the total amount of the annuities after 18 years and semi-annually. आपने साल में 2 दफ़ा इसकी की है, और इसके अलावा ये आपकी 36 इंस्टॉलमेंट्स थी, और पर जो इंस्टॉलमेंट है अमाउंट ऑफ एन्युटी है वो $750 है. तो इस तरह से ये आपके पास जो टोटल आफ्टर 18 इयर्स बन जाती है, दैट इज़ 140326.61. मगर अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ड्रॉ में जो है 36 इयर्स के लिए मैं इसको अपने अकाउंट के अपने घर में ड्रॉ में रख लेती हूँ, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं लगाते तो बैंक में नहीं रखवाते, तो फिर उसका और मेरे घर का और ये बैंक के अंदर रखने का जो डिफरेंस है उसके अंदर क्या फ़र्क है, दैट इज़ कॉल्ड द टोटल अर्न्ड द इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट वैल्यू. ओके, अगर ये तो ऐसे नहीं मेरे पास वैल्यू ओके फाइन आ गई है, और अगर मैंने उसके अंदर सेकेंड पार्ट है, ये तो अभी हमारा फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट, अब सेकेंड पार्ट जो है दैट इज टोटल हाउ मच इंटरेस्ट इंटरेस्ट अर्न्ड, कि मैंने इसमें कितना इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया है. तो उसके लिए है उसका फार्मूला जो है वो बेसिकली ये है कि टोटल अमाउंट जो है उसको पहले हम निकालेंगे कि अगर मैं अपने घर में इसको वैसे रख रही हूँ, दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एन, मीन्स आर के मैंने हर $750 को 36 टाइम जो है 36
मतलब कि सेमी एनुअली आफ्टर 6 मंथ मैंने उसकी इंस्टॉलमेंट करने के बाद 18 साल के अंदर अंदर उसकी 36 इंस्टॉलमेंट की है $750 के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू $27,000। तो अगर मैं उसको विदाउट इंटरेस्ट कर रही हूँ तो सिर्फ 27,000 है, और यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास 140,000 बन रहा है। ठीक है, इतना ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन जो मेरे पास है इंटरेस्ट अर्न्ड है उसको मैं इस तरह से लिखूंगी, इंटरेस्ट अर्न्ड हाउ मच दैट इज इक्वल टू SN माइनस टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। सो स्टूडेंट आप, मैंने इसको यहाँ पे $140,326.61 माइनस 27,000 के साथ इसको माइनस किया है, और इसमें मैंने जो वैल्यू है इसकी वो आपके पास आ जाती है दैट इज इक्वल टू $11,332.61। ओके फाइन, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके फाइन, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन कमेंट मी एंड आल्सो शेयर मी विद मी योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच।